सो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं Xiaomi के यानी कि दोस्तों Redmi के ऐसे टॉप 3 स्मार्टफोन की जो दोस्तों आपको इंडियन मार्केट में 20,000 रुपए से भी कम में देखने को मिलेंगे। सो अगर दोस्तों आप Redmi का कोई नया स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं, आपका बजट है 20,000 रुपए, तो इस टॉप 3 स्मार्टफोन को जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद मैं जरूर गारंटी देता हूं कि आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो बेस्ट स्मार्टफोन है वो आपको इसी वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। सो मेरा नाम है दोस्तों जितेंद्र कौशिक, आप देख रहे हैं दोस्तों टेक स्टोरी यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्तों वीडियो को जल्दी से स्टार्ट देते हैं। सो हमारी लिस्ट का दोस्तों पहले नंबर पे स्मार्टफोन आता है Redmi Note 10 Pro Max। दोस्तों जितना बड़ा इसका नाम है उतने अच्छे आपको इसके फीचर्स यानी कि स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाते हैं। ये स्मार्टफोन दोस्तों इंडियन मार्केट में आपको 21 मार्च 2021 को इंडियन मार्केट में लॉन्च हुआ था, यानी कि दोस्तों 2021 के फर्स्ट क्वार्टर में ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था, यानी कि आज से पूरे एक साल पहले। लेकिन दोस्तों जो स्मार्टफोन के फीचर्स हैं वो आज के टाइम पे भी कई सारे स्मार्टफोन को कड़ी टक्कर बल्कि उनसे आगे भी निकल जाते हैं। साथ ही दोस्तों ये स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 11 पर बेस्ड है, जिसमें आपको एंड्रॉइड 12 का अपडेट देखने को मिल चुका है। और इसी के साथ दोस्तों MIUI पे ये फोन काम करता है, वो तो ऑब्वियसली काम करेगा ही, Xiaomi के और Redmi के सारे स्मार्टफोन MIUI पे ही काम करते हैं, लेटेस्ट वर्जन आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। और वहीं दोस्तों अगर इसके फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे इसके प्रोसेसर की। इसके अंदर Qualcomm Snapdragon का 732G प्रोसेसर दिया गया है, जो कि दोस्तों 2.3 GHz की क्लॉक स्पीड पर काम करता है और 8 नैनोमीटर पर ये बेस्ड है। याद रहे ये एक 5G स्मार्टफोन नहीं है, लेकिन हमारी लिस्ट में एक ऐसा स्मार्टफोन आएगा जरूर जो आपको 5G स्मार्टफोन देखने को मिलेगा Redmi की ब्रांडिंग के साथ 20,000 से कम की रेंज में, लेकिन ये स्मार्टफोन नहीं है। और साथ ही दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिल जाती है 6.67 इंच की एक फुल HD+ डिस्प्ले, जो कि दोस्तों AMOLED डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन और HDR10+ को डिस्प्ले सपोर्ट भी करती है। सो डिस्प्ले उद्याल ये दोस्तों काफी कमाल की इस Redmi Note 10 Pro Max ही। और इसी के साथ दोस्तों अगर कैमरे की बात करें इसकी, सो कैमरे में दोस्तों इसमें क्वाड कैमरा सेटअप बैक में देखने को मिलता है, 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 8 का अल्ट्रा वाइड, 5 का माइक्रो और 2 का डेप्थ सेंसर। फ्रंट में आपको 16 की सेल्फी देखने को मिल जाती है। कैमरा क्वालिटी ऑब्वियसली आपको काफी कमाल की इसकी देखने को मिल जाती है। और इसी के साथ 5020mAh की बैटरी जो कि 33 वोल्ट के चार्जर के साथ आती है। साइड माउंट फिंगरप्रिंट स्कैनर के अंदर देखने को मिलता है आपको, वहीं आपके इसके अंदर इंटरनल स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं SD कार्ड के जरिए एक्स्ट्रा 512 GB तक। अब दोस्तों बात करें इसकी कीमत की, सो इसकी कीमत आपको 18,999 देखने को मिल जाती है, 6 GB रैम, 128 GB इंटरनल स्टोरेज की। महंगा वाला वेरिएंट आपको इसका देखने को मिलता है 21,999 रुपए का, जिसमें आपको 8 GB रैम देखने को मिलती है और कोई भी फर्क नहीं है। और वहीं दोस्तों बात करते हैं अपने दूसरे स्मार्टफोन की। दूसरा स्मार्टफोन दोस्तों हमारा Redmi Note 11 Pro। दोस्तों ये स्मार्टफोन 23 मार्च 2022 को इंडियन मार्केट में लॉन्च हुआ था, यानी कि कुछ दिन पहले आपको इंडियन मार्केट में देखने को मिला था। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11, साथ ही MIUI पर ही ये काम करता है। इसके अंदर आपको MediaTek का Helio G96 प्रोसेसर दिया गया है, 2.05 GHz की क्लॉक स्पीड वाला और 12 नैनोमीटर पर ये प्रोसेसर बेस्ड है, यानी कि परफॉर्मेंस की स्पीड है वो अच्छी है, लेकिन गेमिंग परफॉर्मेंस ऑब्वियसली इसकी थोड़ी ज्यादा अच्छी आपको देखने को मिल जाती है। और फीचर्स में कमी है, लेकिन गेमिंग परफॉर्मेंस थोड़े से ज्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं। और इसी के साथ दोस्तों स्मार्टफोन में 6.67 इंच की एक फुल HD+ डिस्प्ले दी गई है, AMOLED डिस्प्ले, जी हां दोस्तों, 120Hz का रिफ्रेश रेट हाई जो कि आपको देखने को मिलता है Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन के साथ। और इसी के साथ दोस्तों अगर कैमरे की बात करें तो स्मार्टफोन में भी आपको 108 मेगापिक्सल का ही प्राइमरी सेंसर, 8 का वाइड, 2 का माइक्रो, 2 का डेप्थ सेंसर। फ्रंट में वही 16 की सेल्फी इसके अंदर देखने को मिल जाती है। उसके साथ 5000mAh की इसके अंदर बैटरी है, 67 वोल्ट का फास्ट चार्जर दिया गया है, काफी बड़ा चार्जर है, 1 TB तक का स्टोरेज बढ़ा सकते हैं आप SD कार्ड के जरिए एक्स्ट्रा, और साथ ही साइड माउंट फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। कीमत की बात करें तो इसकी कीमत भी आपको 18,999 ही देखने को मिलती है, 6 GB रैम, 128 GB इंटरनल स्टोरेज, और हाँ 20,999 महंगे वाले यानी कि 8 GB वाले की देखने को मिल जाती है, यानी कि सेम फीचर्स सेम स्पेसिफिकेशन, कीमत थोड़ी सी ज्यादा 2 GB रैम के लिए। दोस्तों ये तो हो गए हमारे दो स्मार्टफोन। जो सरप्राइजिंग स्मार्टफोन दोस्तों हमारा है Redmi Note 11 Pro Plus। दोस्तों हाँ ये स्मार्टफोन दोस्तों 15 मई 2022 को इंडियन मार्केट में लॉन्च हुआ था, आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 MIUI पे काम करता है, और साथ ही Qualcomm Snapdragon का 695 प्रोसेसर दिया गया, 2.2 GHz की क्लॉक स्पीड पे और 6 नैनोमीटर पे बेस्ड है। Qualcomm का प्रोसेसर है, गेमिंग परफॉर्मेंस ऑब्वियसली कमाल की देखने को मिलने वाली है। और इसी के साथ दोस्तों अगर बात करें इसके अन्य फीचर्स, यानी कि सबसे पहले बात करेंगे इसकी डिस्प्ले की, तो इसकी डिस्प्ले का साइज भी आपको 6.7 इंच की AMOLED डिस्प्ले ही देखने को मिलती है, Gorilla Glass 5 प्रोटेक्शन इसमें भी है, और साथ ही 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। और उसी के साथ दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको बैक पे 3 सेंसर है, प्राइमरी सेंसर 108 मेगापिक्सल, 8 का वाइड, 2 का माइक्रो लेंस, और फ्रंट में आपको देखने को मिलती है 16 की सेल्फी, तीनों में ही पंचोल डिजाइन है ध्यान रखें, और साथ ही दोस्तों 5000mAh बैटरी देखने को मिलती है, 67 वोल्ट का चार्जर, 1 TB तक का स्टोरेज बढ़ा सकते हैं SD कार्ड के जरिए, साइड माउंट फिंगरप्रिंट स्कैनर इसमें भी देखने को मिल जाता है। इसकी अगर कीमत की बात करें तो दोस्तों कीमत इसकी 20,999 रुपए है, 6 GB रैम, 128 GB इंटरनल स्टोरेज की, लेकिन दोस्तों फीचर्स इतने अच्छे हैं कि लिस्ट में लेना तो बनता था, लेकिन वो एक अलग बात है कि बैंक ऑफर के जरिए आप उसको 20,000 से कम की रेंज में आराम से ले सकते हैं, लेकिन बैंक ऑफर यूज करना पड़ेगा।
यूज़ करिए, बिल्कुल करिए, कमाल का फ़ोन है, कमाल के फीचर्स आपको प्रोवाइड कराता है जो आपको कोई और स्मार्टफोन नहीं देता है। सो आप बैंक ऑफर यूज़ करके इतने अच्छे फीचर्स ले सकते हैं। तीनों में से बेस्ट स्मार्टफोन की बात करें तो डिस्प्ले में हमारा तीनों में से बेस्ट है रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स, लेकिन दोस्तों जो लेटेस्ट फ़ोन है वो आपका रेडमी नोट 11 प्रो प्लस है। कौन सा स्मार्टफोन आपको ज़्यादा पसंद आया ये मेन रखता है, मेरी क्या पसंद है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि Redmi Note 11 Pro Plus बेस्ट फ़ोन है। लेकिन अगर आपको सस्ते में कोई अच्छा स्मार्टफोन लेना है तो आप Redmi Note 10 Pro Max की तरफ जा सकते हैं। आप सोच रहे हैं वो तो पुराना है, उसकी तरफ जाने में क्या फ़ायदा, कैमरा क्वालिटी उसकी कमाल है तो आप उसकी तरफ जा सकते हैं बेझिझक। सूरज बस दिक्कत क्या है कि उसका डिज़ाइन है एक साल पुराना। अब जो रेडमी के डिज़ाइन आ रहे हैं वो तो आ रहे हैं थोड़े फ्लैट, लेकिन उसका डिज़ाइन आपको थोड़ा कर्व में देखने को मिलता है। अब आपकी चॉइस, आपको डिज़ाइन कौन सा पसंद आता है वो आपकी चॉइस है, लेकिन जो फीचर्स वो अच्छे हैं वो आपको उस कीमत पे रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स के अच्छे देखने को मिलते हैं। सो दोस्तों बस, लेकिन अगर आपको कोई तीसरा स्मार्टफोन लेना है तो एक चॉइस और है, उसके बारे में हम बात तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपको वो लेना है तो और कम कीमत में आप उसकी तरफ जा सकते हैं। वो है दोस्तों नोट 11T 5G, उसकी तरफ आप जा सकते हैं 16,999 में उसको ले सकते हैं। उसका बेस वेरियंट है 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज, लेकिन वो मैं कहूँगा ना जाएं तो बेहतर रहेगा, क्योंकि दोस्तों पोको रेडमी सेम ब्रांड वर्जन में 15,000 से नीचे में हम यही सेम फीचर्स आप ले सकते हैं पोको की ब्रांडिंग के साथ। सो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो दोस्तों कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब, चैनल को नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों ऐसी को नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय एंड जय हिंद।